तो आज की हम शुरुआत यहां से करेंगे, कहां से, कल जो वो था ना कनेक्शन वाला, चार प्लेट्स आपस में कनेक्ट भी कर रखी है एक दो, वो वाला। आपने कहा था कि क्या हम किसी दूसरे पे बैटरी कनेक्ट करें तो क्या होगा, मैंने कहा था ये करके देखना, आपको किया कि नहीं वो बताओ। देखो एक बार फिर से सुनिए, हम इस चीज को बड़े अच्छे से समझें, इसी पे दोबारा चल रहे हैं। कल भी मैं इसको फिनिश करने वाला था, चंचल ने जिस तरह किया था उस मेथड से, लेकिन उससे पहले ही आपने एक और सवाल पूछा था, तो मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया था। क्या था आपका सवाल, याद है क्या आपको? ये था कि इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे क्यू था, इस पे जीरो था, इस पे जीरो था, एक दो तीन और चार, और ये जो दो प्लेट्स हैं, प्लेट नंबर 1 एंड 4, ये आपने ज्वाइन कर रखी थी एक कनेक्टिंग वायर से, इस तरह का था सिस्टम। तो ठीक है, हम आंसर आंसर तो निकाल चुके थे, लेकिन हमने कहा था इसको यूं देखा कि प्लेट नंबर 2 और 4 इनको बैटरी से कनेक्ट किया। बताओ भाई, या ये क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया था, और इसका जो दूसरा पार्ट आपने पूछा था वो किया कि नहीं किया ट्राई? मृगेश आप हैं क्लास में अभी? हाँ ठीक है, दिख रहे हैं, अलमीरा दिख रही है आपके पीछे, यही फोटो आती है आपकी हमेशा। सुनो, आपने सवाल पूछा था कि 3 से क्यों नहीं बैटरी कनेक्ट की, तो मैंने कहा था कि आप एक बार 3 से बैटरी कनेक्ट करके, मृगेश ने भी और एक और बच्चे ने पूछा था, पता नहीं अंकित ने कि किसने, तो मैंने कहा था इस तरह से आप ट्राई करना। तो क्या किया क्या दूसरा वाला पार्ट फिर ट्राई, बैटरी 2 और 3 में कनेक्ट करके? नो सर। नहीं किया। सुनो, उसमें प्रॉब्लम क्या आती, क्यों नहीं करते हैं? अगर 3 से मैं बैटरी कनेक्ट करूं तो आप इस पे तो क्यों दे रहे हो, इस पे कितना दे रहे हो, माइनस क्यू, माइनस लेकिन माइनस क्यू के अलावा लास्ट में प्लस क्यू भी देना पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि हम तो माइनस क्यू दे नहीं सकते, है ना? ठीक है, यस ना सर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इन मल्टीप्लेट्स में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तो आप वो समझा ही नहीं सकते कि वो क्यू किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए हम बीच वाले पे बैटरी कनेक्ट करने के बजाय किसी एंड वाले पे बैटरी लेते हैं, किसी एंड वाले पे, किसी भी एंड वाले पे, क्योंकि हमें पता है कि कितने ही चार्ज हो जाए, कि अंदर आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होंगे कि नहीं, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इन दोनों का फील्ड बाहर जीरो, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इन दोनों का फील्ड बाहर जीरो, और ये भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो इन दोनों का फील्ड बाहर जीरो। तो हम ये कर पाते हैं, कर सकते हैं कि किसी दूसरे पे एंड वाले पे बैटरी कनेक्ट करके, ताकि लास्ट में जो प्लस क्यू देना पड़े वो बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा दूसरी बात, हम उसको, ये पार्ट आपने ट्राई नहीं किया, करना चाहिए था, चलो नहीं किया तो कोई बात नहीं, बैटरी क्यों नहीं कनेक्ट करते बीच वाले पे वो मैंने आपको बताया। दूसरी बात सुनो, इसी को जिस तरह से आपकी क्लास में चंचल ने सोल्व करके दिया था, हम एक बार वो और बता देता हूँ, और करना वैसे ही है, बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आप गलत से कनेक्ट कर दोगे तो लास्ट में फंस जाओगे, नया चार्ज देना पड़ेगा, वो कैसे करें। हाँ जी चंचल आप है ना अभी क्लास में? ठीक है, देखो क्योंकि आपकी वो फोटो भी नहीं आ रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। देखो अब इधर तरीका ये है कि भाई किस तरह से हम आगे रिडिस्ट्रीब्यूट करें, तो इन्होंने यूं माना कि इस क्यू का, ये जैसा मुझे ध्यान है जो ये कर रहे थे, आप सीखिए इस चीज को, इस क्यू का कुछ पार्ट एक्स इधर आ गया, और अगर आपने इसे अलग किया तो भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ध्यान रखो कि इस तरह से सबसे पहले आपने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कि इस क्यू का एक्स इधर आया और क्यू माइनस एक्स इधर आया। ठीक है, अब आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट करके आप चलाते रहो, बैटरी वैटरी हटाओ, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट करके आप चलाते रहो। हाँ जी, इधर एक्स आया तो इधर कितना आएगा, माइनस एक्स, यहां क्यू माइनस एक्स आया तो सामने कितना आएगा, माइनस क्यू माइनस एक्स, और ये पूरी न्यूट्रल है,
ये पूरी न्यूट्रल है तो यहां कितना आएगा क्यू माइनस एक्स। अगेन आमने सामने वाली बात, तो ये कितना होगा माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स। क्लियर है, बाहर का मैंने नहीं लिखा, अभी बाहर इसका भी नहीं लिखा, बाहर इसका भी नहीं लिखा, क्योंकि क्योंकि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है तो मुझे ये नहीं पता है कि बाहर कुछ ये इस पे जीरो ही चार्ज रहना है कि कुछ इधर से उधर हो सकता है, तो इसलिए मैं बाहर का भी नहीं लिख सकता। चलो आपने ये लिख लिया, अब इनके कैपेसिटेंस लिखो, बिना कैपेसिटेंस तो करना बेवकूफी होगी। इसका कैपेसिटेंस अगर सी नोट है तो आपको याद होगा इसमें 2D सेपरेशन दिया था हमने, हाँ, तो सी नोट बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा सी नोट था ना कुछ ऐसा। अब आप पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख दीजिए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो ये प्लस ये माइनस। चार्ज स्टोर आपको याद है कि अंदर जितना चार्ज होता है वही चार्ज स्टोर होता है इन प्लेट्स में, बता रखा है पहले, है ना। तो अंदर इन पे एक्स है तो ये हो गया एक्स बाई सी, पता हो ये लिखना आया। दूसरा आमने सामने ये पॉजिटिव मान लो, तो ये प्लस ये माइनस, और कितना होगा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू माइनस एक्स बाई, यहां तो सी नोट था, सी नोट बाई 2, तो सी नोट नीचे आएगा और 2 जो है वो ऊपर चला गया। दिख रहा है ना ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। और तीसरा लिखो ये प्लस और ये माइनस, कितना होगा क्यू माइनस एक्स बाई सी नोट। आप बताओ क्या तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखने आ गए, ठीक है। कैपेसिटेंस की मदद से हमने तीनों पोटेंशियल डिफरेंस लिखी है। अब मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल है V1 और इस प्लेट का पोटेंशियल है V4, तो हमें, हाँ जी बोलो, कोई क्या मतलब है सर? कोई भी एक कैपेसिटर होता है, कोई भी एक कैपेसिटर होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज स्टोर्ड है क्यू और माइनस क्यू, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और बीच में क्यू बाई सी करते हैं कि नहीं। yes, और हमें केवीएल लगाते समय ध्यान है कि प्लस से एंट्री ले तो माइनस के साथ लिखना होता है, माइनस से एंट्री ले तो प्लस, बताओ याद है कि नहीं। yes, तो अब इसमें देखो ना, इसमें देखो यहां माइनस एक्स है और यहां प्लस एक्स है, तो मैं मान लू कि ये एक्स पॉजिटिव है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो, और बीच में एक्स वाई सी नोट, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही दूसरे में या क्यू माइनस एक्स है, सामने माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स है। भाई कोई दिक्कत है मैं दोबारा बना के स्टार्ट करूं क्या, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो इसमें, या आ गया ना समझ, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, बीच में सी नॉट बाई 2 किया और ऐसे ही फिर ये तीसरा किया, क्या ये सब लिखना आ गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप इधर से इधर चलो चाहे इधर से इधर चलो, बात एक ही है, मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं। केवीएल तो कहता है कि अगर बंद लूप में जाओगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, बंद लूप में नहीं जा रहे तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या ये बंद ही है कि नहीं पूरा नीचे, है ना, या फिर वैसे लिखते हो वी फाइनल मतलब V1 और वी इनिशियल मतलब V4, मैं उधर से इधर आऊंगा, लेकिन अगर वो कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं तो क्या ये इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्लियर कि नहीं बताओ। यस सर, कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं तो आप यूं घूम लो, बात एक ही है। अब ये V1 माइनस V4, मैं इधर से आ रहा हूं, हाँ जी, पहली एंट्री माइनस से तो क्या लिखें, याद है प्लस के साथ लिखना होगा, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस के साथ, दूसरी एंट्री माइनस से तो फिर दोबारा प्लस के साथ, और तीसरी एंट्री प्लस से तो माइनस के साथ, और इक्वल टू जीरो उसका कारण यह है कि घूम के वापस यहीं आ गए, या फिर यूं देखते होते दोनों बराबर हैं। अभी बताओ क्या केवीएल इक्वेशन समझ आई, इस तरह के सर्किट में कैसे लगानी चाहिए, बोलो। yes, देखो इनमें कोई डाउट नहीं रखना है, एक तरीका था
उस तरह से कीजिए जैसे कैपेसिटर में बैटरी लगा के चार पांच प्लेट्स देते हैं। दूसरा तरीका, एक बैटरी खुद अज्यूम कीजिए लेकिन उसमें बाहर वालों पे बैटरी का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कीजिए और फिर उतना ही चार्ज लास्ट में सप्लाई करना पड़ेगा। उसी का एक आसान फॉर्म केवीएल यूज कीजिए, उसी की एक आसान फॉर्म केवीएल यूज कीजिए कहीं से भी बंद लूप घुमा के, लेकिन आमने सामने का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, बाहर के मुझे नहीं पता। और बाहर वालों से पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड होता है, अंदर वाला जो होगा वही चार्ज स्टोर्ड है, और चार्ज स्टोर्ड अपॉन सी नोट करना है। अभी अभी मेरे लिए अननोन है ये क्या है और ये क्या है, ये अननोन है। चलो ये बताओ, ये इक्वेशन आ गई समझ, ये जो नीचे हमने लिखी। हाँ जी सर, ये साइन बता दो, माइनस माइनस। एक मिनट, अरे मैं इसलिए मिटाया है ताकि आपको दोबारा से समझ आए। क्या कह रहे हो? अरे रुको, इधर देखो, एक प्लेट थी, एक और प्लेट थी, कितनी दूरी पे थी ये? डी। एक और प्लेट थी, कितनी दूर थी ये? 2D। अब की बार देखो, अगली बार शायद आप ना पूछें, इस बार ध्यान से एक चीज पे समझिए कि क्या क्या है। ये था, और एक एक्स्ट्रा ये दिया था कि इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर रखा है, ये एक्स्ट्रा दिया था। और इस पे चार्ज कितना सप्लाई कर रखा है? क्यू। मुझे नहीं पता बाहर क्या है क्या नहीं, वो मेरे लिए अभी अननोन है। मैं पहले अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालू। मैंने माना कि क्यू का एक्स चार्ज इधर आ गया तो यहां कितना बचा? क्यू माइनस एक्स। आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो एक्स के सामने माइनस एक्स और क्यू माइनस एक्स के सामने माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स। क्या ये समझ आया यहां तक? Yes, ये पूरी प्लेट न्यूट्रल है और ना इसका कहीं कोई कनेक्शन है, तो इस पे जीरो है, तो इधर माइनस क्यू माइनस एक्स, तो इधर कितना हो गया? क्यू माइनस एक्स। आमने सामने अगेन माइनस क्यू माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा, बाहर का मुझे इसलिए नहीं पता, वैसे तो ये न्यूट्रल थी लेकिन कनेक्ट भी तो है, पता नहीं कहीं से चार्ज सप्लाई हो जाए, तो ये इसलिए मुझे पता नहीं। तभी आप बताओ, क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया यहां तक? कैपेसिटेंस की बात करूं, इसकी कैपेसिटेंस अगर सी नोट है तो इसकी सी नोट बाई टू होगी और इसकी सी नोट, ठीक है। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस, एक कैपेसिटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हो? जैसे इस कैपेसिटर को देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, ये समझ आ रहा है? तो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट हाई पोटेंशियल पे होती है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लो पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज स्टोर्ड बाई सी नोट। चार्ज स्टोर्ड आपको याद होना चाहिए कि बाहर वाले का कोई रोल नहीं होता। अगर अनइक्वल चार्जेज हैं प्लेट्स पे तो चार्ज स्टोर्ड का मतलब था आमने सामने अंदर कितना चार्ज है। करवा रखा ये काम पहले? है ना, तो यानी कि इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर्ड एक्स है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। बताओ ये समझ आया कि नहीं? अगला देखो, अब इधर ये पॉजिटिव मान लो तो ये नेगेटिव, तो ये प्लस हाई पोटेंशियल, ये माइनस। अब यहां बताओ भी चार्ज स्टोर्ड कितना है आमने सामने? क्यू माइनस एक्स। और इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी नोट बाई टू, टू ऊपर गया। क्लियर? तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप इसको पॉजिटिव मान लो, 1% फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ये पॉजिटिव मानना है, सपोज आप इसको क्या लिखना चाह रहे हो, एक्स माइनस क्यू है ना, ये एक्स माइनस क्यू है। अगर आप इसको पॉजिटिव मानते हो तो यहां साइन प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और यहां एक्स माइनस क्यू आ जाएगा, लेकिन उससे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा उस केवीएल की इक्वेशन में, ठीक है। आगे बढ़ो इसमें, चलो इसमें मान लो यही पॉजिटिव आना था तो यहां भी ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस ये माइनस, बीच में कितना चार्ज स्टोर्ड क्यू माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई सी नोट। अभी बताओ क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस तीनों जगह लिखने आगे है ना? अब आप बाहर बाहर घूम जाओ केवीएल लगाने के लिए, बार बार घूम जाओ, मैं V1 V4 भी नहीं कह रहा आपसे, बार बार घूम जाओ, एक बंद लूप मिल गया आपको है ना। और बाहर बाहर घूमेंगे तो पोटेंशियल वापस पहुंच के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना, यही कहता है मैं केवीएल,
तो आप इसको भी छोड़ो ना, v1 माइनस v4 को, आप केवीएल लगाओ, सीधा केवीएल लगाओ। चलिए पहली एंट्री माइनस से, माइनस से है तो कैसे लिखूं, प्लस क्यू माइनस एक्स वाई सी नोट। अगली एंट्री फिलहाल मेरी माइनस से हो रही है तो ये प्लस के साथ लिखूंगा तो ये आ गया। और जैसे मृगेश आप पूछ रहे थे अगर मैं एक्स माइनस क्यू को पॉजिटिव लेता तो यहाँ एक्स माइनस क्यू होता लेकिन यहाँ प्लस आता, और मैं प्लस से एंटर करता तो बाहर क्या लग जाता एक, तो माइनस लिख के अंदर एक्स माइनस क्यू लिखो, प्लस लिख के अंदर क्यू माइनस एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। अगली एंट्री प्लस से तो कितना बना, माइनस ऑफ एक्स बाई सी नॉट और इक्वल टू कितना, जीरो। यहां से एक बार एक्स सोल्व कीजिए, यहां से एक्स सोल्व कीजिए, सी नॉट ओवरऑल एलसीएम क्यू माइनस एक्स प्लस टू क्यू माइनस टू एक्स और माइनस एक्स और इज इक्वल टू जीरो, बनी ना ये इक्वेशन। सी नॉट तो हटाओ, टू क्यू एंड क्यू कितना हो गया 3q, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स और इज इक्वल टू जीरो, यानी कि 3q इज इक्वल टू 4x, तो एक्स कितना आ गया, एक्स 3q/4, एक्स आपका आ गया 3q/4। समझ आया यहां तक? सर एक बार केवीएल की इक्वेशन दोबारा बताना। केवीएल वैसे याद है, केवीएल बंद लूप में लगता था, बंद लूप में, और उसमें यूं होता था कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस आप विद साइन लिख के चलो तो वापस जब आप वहीं आ जाओगे तो इक्वल टू जीरो कर देना है, नो चेंज। ठीक है, आपके इस रास्ते में एक कैपेसिटर आया, दूसरा कैपेसिटर आया, तीसरा कैपेसिटर आया और बस एक कनेक्टिंग वायर आई, तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस घूमते हुए आप वापिस वहीं पहुंच जाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। तो कैसे लिखते थे हम, आपको याद है हम माइनस से एंट्री करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो हम प्लस के साथ लिखते थे डिफरेंस को। तो मैंने पहली एंट्री यहां से ली तो ये माइनस के साथ था तो प्लस आ गया, अगली एंट्री अगेन माइनस से की तो प्लस आ गया, और अगली एंट्री प्लस से की तो माइनस आ गया, और वापस वहीं पहुंच के तो इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये बताओ क्या ये लिखने में दिक्कत है क्या? अभी भी अगर है तो क्लियर करो, बिकॉज ये चीजें तो आगे आगे काम आनी है सारी की सारी। क्लियर हो गया, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अब देखो आपका x आ गया 3q/4। अब मैं रीडिविजन करता हूं, यहां चार्ज है माइनस एक्स मतलब माइनस 3q/4, यहां x मतलब 3q/4, यहां q माइनस एक्स, q माइनस 3q/4 कितना आया बताओ, q माइनस 3q/4, q/4 आ गया। ठीक है, सामने इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव मतलब माइनस q/4, यहां ये न्यूट्रल था तो इधर q/4, सामने इसका नेगेटिव माइनस q/4। आप बताओ क्या अंदर वाले सारे चार्जेस आ गए आपके पास? हाँ भाई अंदर वाले क्लियर है सारे? बाहर कितना लिखना होगा, बाहर क्या होगा वो सुनिए। ये दोनों प्लेट पहले न्यूट्रल थी कि नहीं, एंड वाली दोनों प्लेट्स कनेक्शन से पहले थी, तो भाई चार्ज कंजर्वेशन बाद में भी इनका चार्ज का सम जीरो होना चाहिए, तो इनके अंदर अंदर देखो कितना चार्ज आ चुका है, माइनस 3q/4 तो इसके अंदर है और माइनस q/4 इसके अंदर है, तो टोटल बताओ अंदर टोटल कितना है, माइनस क्यू, जबकि इस पे टोटल चार्ज होना कितना चाहिए, जीरो, यानी कि इस पे प्लस क्यू और आपको बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इधर और इधर मिला के। मैंने माना ये Q1 है ये Q2 है, तो Q1 और Q2 मिला के आपका प्लस क्यू और होना चाहिए। समझ आया? Q1 और Q2 मिला के प्लस क्यू और होना चाहिए, तभी तो दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज कंजर्वेशन वैलिड हो पाएगा। समझ आ रहा है ना ये? अरे ये इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 बराबर इनके अंदर वाला चार्ज माइनस 3Q/4 एंड माइनस Q/4, ये सारा जुड़ के जीरो होना चाहिए। तो यहां से मेरा आ गया Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q। क्या इतना समझ आ गया? ठीक है,
और क्या बाहर कोई फील्ड है क्या? दोनों साइड बाहर कोई फील्ड है? इन दोनों का फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो रहा है, इन दोनों का फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो रहा है, इन दोनों का फील्ड बाहर कैंसिल आउट हो रहा है। लार्ज प्लेट का फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो आप बताओ क्या इधर या इधर कोई फील्ड बचा है इन अंदर वालों की वजह से? नहीं बचा। नहीं बचा तो अंदर वालों का कोई असर बाहर नहीं होने वाला है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देने होते हैं एंड में। तो यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कोई फील्ड ही बाहर नहीं है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर आपका क्या हो जाएगा? Q/2 ईच। आपने क्या कॉपी में कल आंसर लिखे थे क्या उस सवाल के, कल जब वो किया था? एक बार अपने आंसर्स मैच कीजिए उससे, एक बार अपने आंसर्स मैच कीजिए। यही है ना। अब जो तरीका तो वही था, कैपेसिटर में डिवीजन, कैपेसिटर से हमने सीखा, उसी फॉर्मेट को बोलने का दूसरा तरीका है केवीएल की मदद से। उसी फॉर्मेट को बोलने का दूसरा तरीका है कि भाई केवीएल से, लेकिन इससे शायद आप लोग थोड़ा जल्दी कर पाए, तो ये अपना ध्यान में रखना। सर नहीं बोलिए, बताना फील्ड 0 कैसे है। बाहर फील्ड जीरो कैसे है? देखो यहां, देखो यहां, यहां इस -3Q/4 का फील्ड इधर होगा खुद की तरफ, और +3Q/4 का बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव है ठीक है। और फील्ड लार्ज शीट का फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो जितना इसका फील्ड होगा उतना इसका, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉइंट इसके पास और उससे दूर है ना, इस वजह से होता है। चलो भाई अब तो क्लियर है ना ये चीजें? टोटल की वजह से? हाँ टोटल। देखो क्यू का फील्ड भी अपने आप में रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यू का फील्ड भी सॉरी चार्ज भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्यू इस तरह से बट गया, क्या इन दोनों का फील्ड बाहर खत्म हो गया कि नहीं? इन दोनों का भी बाहर खत्म हो गया, इन दोनों का भी बाहर खत्म हो गया, तो बाहर बचा ही किसका फील्ड है? तो क्या है जरूरी है कि क्यू का फील्ड भी बाहर बच पाएगा? क्या आप ये देख रहे हो कि बाहर कोई फील्ड ही नहीं बच रहा है? हाँ हाँ ये बचेंगे लास्ट में, मैं उस पर आता हूं। ये जो आपके लास्ट में जो दो चार्ज आए हैं Q/2 और Q/2, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद की अगर आप बात करते हैं, हम तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं बोल रहा था, मेरे को लगा आप ये पूछ रहे हो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका तो फील्ड होगा, इसका भी नहीं होगा इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले बताओ यहां तक समझ आ गए? इनको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाहर इसका भी फील्ड नहीं होता है क्योंकि अंदर वाले सारे कैंसिल हो गए। अब अगर आप फाइनली बाहर कहीं देखोगे, अंदर अंदर वाले फील्ड तो कैंसिल हो रहे हैं, यहां फील्ड एक इस Q/2 की वजह से बचेगा और एक उस Q/2 की वजह से बचेगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और लार्ज शीट का फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो यहां नेट फील्ड, यहां केवल और केवल किसकी वजह से बचा होगा नेट फील्ड, जो कि किसके कारण है? क्यू के कारण। सिमिलरली इधर भी जो नेट फील्ड बचा होगा ओनली किसकी वजह से बचा होगा? क्यू की वजह से। अंदर लेकिन अलग अलग जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी वजह से। हाँ भाई और कोई कुछ पूछना चाहे इसमें? क्या 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 दोबारा बोलना? फील्ड नॉन जीरो हो तो एक मिनट इसमें ही दोबारा हम बनाते हैं, ये हटाऊं क्या? ये देखो मान लो आपने ऐसा कुछ सुनाया, सपोज आपने ये चार प्लेट ली 1, 2, 3 एंड 4, प्लेट नंबर 2 पे क्यू चार्ज दिया इस तरह से, और अब आपने 1 एंड 3 को कनेक्ट किया,
अब आपने वन एंड थ्री को कनेक्ट किया। हाँ जी, यही वाला सवाल ना। यस सर। देखिए, और डिस्टेंस वही मान लो, वही मान लो, ये सी नोट, ये कितना बना था आपका, सी नोट बाई टू, और ये आपका हो गया सी नोट। अब देखो, ये क्यू चार्ज का एक्स मैंने यहां माना, तो इधर आएगा माइनस एक्स, यहां क्यू माइनस एक्स, सामने माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स, अगेन क्यू माइनस एक्स ना। अब यहां पे फिर दोबारा से दिक्कत आएगी, क्या ये कनेक्टेड है कि नहीं इससे, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस पे जीरो ही चार्ज होगा बाद में, नहीं मान सकते ना हम, तो यहां आपको कोई और चार्ज मानना होगा। कितना, कोई भी वेरिएबल बढ़ गया मेरा, समझ आ रहा है, y के सामने माइनस वाई, और ये पूरा न्यूट्रल था, पूरा न्यूट्रल था, तो बाहर कितना होगा, y ही हो जाएगा, ठीक है। इधर आपने कोई एक्स्ट्रा बाहर मान लिया क्यू वन। अभी बताओ, क्या अभी ये समझ आया यहां तक, किस तरह का हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है? Yes, sir. ठीक है, अब मैं फिर दोबारा से एक बार पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखता हूं। मैंने माना ये प्लस है, ये माइनस, तो यहां तो लिखा जाएगा एक्स बाई सी नॉट। दूसरे में ये मैंने प्लस माना, तो ये प्लस माइनस, और यहां लिखा जाएगा क्यू माइनस एक्स बाई सी नॉट बाई टू, तो टू ऊपर आया। और तीसरे में लिखा जाएगा प्लस और माइनस वाई बाई सी नॉट। हाँ भाई, ये आ गया समझ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां घूम के केवीएल लगाता हूं, मैं यहीं घूम के केवीएल लगा रहा हूं। पहली एंट्री कहां से, पहली एंट्री माइनस से आई, तो प्लस लिखा जाएगा टू टाइम्स क्यू माइनस एक्स बाई सी नोट। अगली एंट्री प्लस से, तो माइनस एक्स बाई सी नोट, और वापिस वहीं आ गए, तो इक्वल टू जीरो। आप ये बताओ, बंद लूप में केवीएल लगाना आ गया हमें? ठीक है, हमने एक लूप में तो अपना केवीएल लगाया। यहां से मेरा एक्स आ गया, सी नोट हटाओ, टू क्यू माइनस टू एक्स और माइनस एक्स, यानी कि टू क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो एक्स बराबर आ रहा है टू बाई थ्री क्यू। क्या एक्स तक की बात समझ आई, टू बाई थ्री क्यू? ठीक है, अब मैं एक बार इस पर लिखता हूं कितना कितना चार्ज हो गया है। ये टू बाई थ्री क्यू, तो सामने माइनस टू बाई थ्री क्यू, ठीक है। इधर क्यू में से टू बाई थ्री क्यू गया, तो यहां कितना, क्यू बाई थ्री, सामने आपका होगा माइनस क्यू बाई थ्री। ये वाई है, मुझे नहीं पता कितना है, इसके सामने माइनस वाई, और बाहर ये वाई, और ये बाहर रह गया आपका क्यू वन। एक वेरिएबल तो मेरा कम हुआ केवीएल लगा के, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद बचता है कि ये बाहर किस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बाहर किस तरह का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो, क्या इन दोनों का फील्ड यहां पहुंचेगा, क्या इन दोनों का फील्ड यहां आना है, इन दोनों का भाई, एक वाई है और एक माइनस वाई है, एक वाई है और एक माइनस वाई है, जितना वाई का इधर फील्ड होगा उतना ही माइनस वाई का उधर होगा, डिस्टेंस है तो इंडिपेंडेंट है, तो क्या इन दोनों का कोई फील्ड यहां आना है क्या? यानी कि अभी थोड़ी देर के लिए मेरे ये किसी काम के ही नहीं है, ये वाली प्लेट, समझ गए हो, ये वाली प्लेट मेरे किसी काम की नहीं है। तो आप इस तीन को देखो, इस तीन में ये दोनों कनेक्टेड थे, और इन पे आपने कोई चार्ज भी नहीं दिया, मतलब Q1 माइनस टू क्यू बाई थ्री माइनस क्यू बाई थ्री एंड प्लस वाई, ये कितना होना चाहिए, जीरो, समझ गए हो क्या? यस सर। इन पे आपने कोई चार्ज ही नहीं दिया, इट मींस Q1 प्लस वाई कितना होगा, थ्री क्यू बाई थ्री, Q1 प्लस वाई कितना आ गया, क्यू, क्लियर है कि नहीं? हां, भरते रहो, इसी को हमने क्यू टू बोला था लास्ट टाइम। यस सर। ठीक है, अब देखो, यहां किसी का भी फील्ड नहीं आ रहा है,
सिमिलरली यहाँ भी किसी का फील्ड नहीं आ रहा है, अंदर वाले सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो जब आप इन दो का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो दो तो मेरे लिए टेस्ट चार्ज है, थोड़ी देर के लिए इनको तो हटाओ, ये तो बांटने हैं, ये तो मुझे बांटने हैं। ना तो यहाँ कोई फील्ड है और ना यहाँ कोई फील्ड है, इन दोनों का कैंसिल, इन दोनों का कैंसिल, इन दोनों का कैंसिल। तो जब कोई फील्ड ही नहीं है और आप बांटने ला रहे हो तो क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नहीं, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। आ गया समझ? फोर्थ वाली प्लेट का क्यों नहीं कैंसिल हो रहा? यहां पे इस वाई पॉजिटिव चार्ज के कारण तो फील्ड इधर होगा, उतना ही माइनस वाई के कारण इधर होगा, तो क्या ये दोनों फील्ड कैंसिल नहीं हो गए? ठीक है, तो क्या ये पिछली बार जैसी बात नहीं होगी बार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पिछले सवाल जैसा ही? तो Q1 प्लस Y को आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांटना है तो Q1 भी कितना हो गया Q by 2 और Y भी कितना हो गया Q by 2। अब देखो ये चार्ज हो गया Q by 2, ये चार्ज भी हो गया Q by 2, सामने माइनस Q by 2 और बाहर फिर से Q by 2। तो अब आप बताओ कि आपके पास सारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आपका ही सवाल था, तो अगर अभी बचा हो कंफ्यूजन तो पूछिए। मैं एक बार इसे मिटा के दोबारा बना रहा हूं फिर, ठीक है? हैं? इसी में बता दो, इसी में। अरे वो एक ही बात है, एक इतनी सी देर लगेगी। देखो आप, देखो इनमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए प्लेट्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने कल आपको कैपेसिटर का मेथड सिखाया था, आज उसको जल्दी कैसे यूज करना है वो सिखा रहे हैं। ये आपकी चार प्लेट्स हैं, आपने इन दो को कनेक्ट किया है और इस पे क्यू दिया है, प्लेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बस रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, केवल ये सवाल है और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो वही शुरुआत, जैसे कि ये x तो ये q माइनस x, सामने कितना माइनस x, बाहर का मुझे नहीं पता क्योंकि ये कहीं जुड़ा हुआ है तो बाहर कुछ भी हो सकता है, तो मैंने q1 माना, जो हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, q माइनस x के सामने कितना होगा माइनस q माइनस x, लेकिन ये भी जुड़ा हुआ है तो जीरो नहीं रहना, तो बाहर मैंने q2 बोल दिया। उस y को मैं थोड़ी देर के लिए q2 बोल लूं, पिछली बार जैसी फील आई था कि ठीक है, Q2 के सामने अपियर होना है माइनस Q2, और ये न्यूट्रल है और कहीं जुड़ी भी नहीं, तो यहां भी कितना होना है प्लस Q2। अब देखो, अब आप फटाफट देखते चलना। सबसे पहली बात, मैंने ये C नोट था कैपेसिटेंस और ये था C नोट बाई 2। मैंने क्या किया, यहां पोटेंशियल डिफरेंसेस लिख लिए, इसमें ये प्लस माइनस और चार स्टोर्ड है x एक्स वाई C नोट, और इसमें ये प्लस ये माइनस चार स्टोर है क्यू माइनस एक्स बाई सी नोट बाई 2। मैंने ये किया, आप इस इसमें घूम जाओ, केवल इसमें घूम जाओ तो बताओ क्या ये केवीएल लगा के लगाई इसमें केवीएल की इक्वेशन, पहली एंट्री वहां से, तो 2 टाइम्स क्यू माइनस एक्स बाई सी नोट और प्लस एक्स बाई सी नोट, और कितना हो गया ये जीरो। तो यहां से आया सी नोट तो हटाओ, 2q माइनस 2x, ये प्लस है, नहीं प्लस नहीं है, ये कैसा है, प्लस से एंट्री ली है तो माइनस है, तो 2q इज इक्वल टू 3x, तो यहां से x कितना आया, 2q बाई 3। क्लियर है ना? अब yes, देखो ये चार्ज आया 2q बाई 3, पूरे पे q था तो इधर कितना बचा, क्यू बाई 3, 2q बाई 3 के सामने आया माइनस 2q बाई 3, और q बाई 3 के सामने कितना आएगा माइनस q बाई 3। ये दोनों न्यूट्रल थी तो ये दोनों अब भी न्यूट्रल होनी है, इस पे तो टोटल चार्ज ये आया बैठा है और इस पे टोटल चार्ज ये आया बैठा है, तो इन चार्जेस का सम तो जीरो होना चाहिए, तो ये बनेगा q1 प्लस 2q बाई 3 प्लस q2 माइनस क्यू बाई 3, सम कितना होना चाहिए, ये माइनस है यहां, जीरो होना चाहिए, यानी कि q1 प्लस q2 बराबर कितना आ गया
क्यू आ गया। अब जब आप क्यू वन और क्यू टू को डिस्ट्रीब्यूट करें तो थोड़ी देर के लिए इनको हटा के बाहर का फील्ड देखो, बाहर का फील्ड देखिए आप, बाहर इन दोनों का फील्ड बाहर कैंसिल हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, इन दोनों का भी कैंसिल हो रहा है और इन दोनों का भी कैंसिल हो रहा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, इधर भी कैंसिल हो रहा है और इधर भी। तो जब कोई फील्ड ही नहीं है तो ये चार्ज जो बाहर बांटना है क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कि Q1 एक मिनट अभी सुनता हूं। Q1 आपका Q by 2 है और Q2 भी आपका Q by 2 है। तो पहले ये बताओ क्या ये समझ आ गया कैसे हुआ है? और उसके बाद फिर वो आमने सामने वाली बात चला दो। हाँ जी आप बोलो क्या कह रहे हो? कोई ऐसा केस नहीं आ सकता जिसमें बाहर फील्ड नॉन जीरो। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई करना अपने आप, समझ गए हो ना? ये तो आपके हाथ में ना यार, प्लेट 3 बनाओ 4 बनाओ, अपने आप कोई भी केस लेके ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए देखो, इसके लिए हमें किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप अपना सवाल बनाओ, अपने आप ट्राई करो, ना रिडिस्ट्रीब्यूशन हो पाए तो मुझसे फिर आप कॉन्टेक्ट कीजिए उस मामले में। वो तो पता ही लग जाएगा अगर अगर आपका हो ही पा रहा है। मान लो आपको आंसर ही चेक करना हो, आप एक साफ सा पेज लेके, जैसे ट्राई रफली कर लो, एक साफ सा पेज लेके उस पे क्वेश्चन भाई ये था और मेरे आंसर आए हैं, आप मेरे पास भेज सकते हो, अपना सोल्यूशन भेज सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा आपने सही किया कि गलत किया। ठीक है तो चले हम आगे बढ़े। देखो ये लगा लो, अभी तक हम लगभग वो कल वाला पैरेलल प्लेट रीडिस्ट्रीब्यूशन पे रहे हैं। अच्छा इसके बाद कल हम कहां थे लास्ट में, कौन से टॉपिक कर रहे थे? फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स एंड सर्किट इन चार्ज सर्किट। ठीक है मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक को सेमी इंसर्ट किया जाए तो ड्यू टू फ्रिंज इफेक्ट उस पर कौन सा फोर्स लगता है? पुलिंग फोर्स लगता है, पढ़ा था ना हमने, ड्यू टू फ्रिंज इफेक्ट उस पर पुलिंग फोर्स लगता है और वो उसको अंदर की तरफ खींच लेता है। दोनों केस लिए, एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो वो एक्स पे डिपेंडेंट था फोर्स, और एक बार बैटरी कनेक्टेड है तो वो एक्स से इंडिपेंडेंट था फोर्स। और बैटरी कनेक्टेड में वो काम आपने पूरा कर लिया, मैंने कहा था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। देखो मैंने कहा था कि मैं दोबारा बोर्ड पे वो स्टार्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको ये बता दिया था, एक्सेलरेशन निकाली थी आपने बोर्ड पे मास ऑफ द डायरेक्ट्रिक से डिवाइड करके, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, तो एल माइनस ए चल के आने में उसे टाइम लगना था, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू डिस्टेंस इंटू टी स्क्वायर करके, है ना, ध्यान है ना? और एक बार वो टाइम आ गया तो जो टाइम पीरियड होगा वो उसका 4 times होना था, 4 times, क्योंकि एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम, ये आपका पूरा टाइम पीरियड बनता। क्लियर है वो? चले आगे बढ़े। अरे उसमें कोई डाउट है क्या जो कल जो लिया था लास्ट में उसमें? तो अब देखो उसी चीज को मैं अब रोटेशन में लेके चलता हूं, उसी सेम चीज को। सपोज ये एक मेटल की डिस्क है, सेमी डिस्क, और इस मेटालिक डिस्क का रेडियस है आर। एक डिस्क इसके पीछे है, जो भी है ये आगे पीछे दो मेटल की डिस्क हैं, एंड दिस इज ए सेमी डिस्क कैपेसिटर। सेमी डिस्क कैपेसिटर नाम वैसे ही बना दिया मैंने, समझ तो आ गया होगा आपको क्या है ये। हाँ भाई सेमी डिस्क कैपेसिटर का मतलब आ गया समझ, कि आगे पीछे दो मेटल की प्लेट्स हैं और ये सब अरेंजमेंट है। थिकनेस जो इनके बीच का सेपरेशन है वो डी मान लो, और बिल्कुल इसी साइज का इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ये आपको दिया है।
और क्यों बोला है उसको ना थोड़ा सा टर्न करके मैं सेमी इंसर्टेड स्लैब बनाना चाह रहा हूं यहां पे। वो डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो आधा बाहर निकाल दिया हमने। क्या ये डायग्राम समझ आ रहा है क्या किया है? अरे बताओ क्या ये डायग्राम समझ आ रहा है क्या क्या किया ये? आमने सामने दो मेटल की प्लेट्स हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट, उनमें बीच में एक वैसी सेमी सर्कुलर उतनी थिकनेस की डिस्क भरी हुई थी। मैंने उस डिस्क को डायलेक्ट्रिक को सेमी इंसर्ट कर दिया, कुछ फाई एंगल बाहर निकाल दिया, यानी कि इस इलाके में तो एयर है और इस इलाके में डायलेक्ट्रिक है। अभी बताओ क्या अभी क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी हमने वी वी वोल्टेज की एक बैटरी कनेक्ट कर दी इन दोनों मेटालिक प्लेट्स पे। ठीक है, यहां से इसको रिलीज किया है तो ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट तो करेगा ना, पहले बीच में जाएगी टॉर्क जीरो होगा, अभी तो टॉर्क नॉन जीरो होगा, बीच में जाएगी टॉर्क जीरो, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया रुक नहीं पाएगी, उतना ही उधर निकल जाएगी। ये वही केस हो गया जैसे कुछ बाहर निकाल के डायलेक्ट्रिक छोड़ा था, वो लीनियर ऑसिलेशन कर रहा था, ये एंगुलर ऑसिलेशन करेगा, है ना? Yes, sir. क्या ये SHM होगा, एंगुलर SHM? बिल्कुल नहीं। क्या बैटरी कनेक्टेड है क्या? आपने कल पढ़ा था बैटरी कनेक्टेड होती है जब फोर्स कांस्टेंट लगता है तो यहां टॉर्क कांस्टेंट बनेगा, और कांस्टेंट टॉर्क से SHM नहीं होते, उनके लिए तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। चलो है नहीं SHM, उसको छोड़ो, आपको बताना है फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसके ऑसिलेशन का पीरियड बताना है, वो इकल की तरह ही बताना है कितना क्या होगा क्या नहीं। डायलेक्ट्रिक के मास की जरूरत पड़ेगी, वो मास इसका m मान लेना, डायलेक्ट्रिक का मास जैसे कल जरूरत पड़ी थी ऐसे ही मास हमने माना इसका m है। और ये चीज इसमें मान के चलना कि फ्रिक्शन या ग्रेविटी ऐसी कोई चीज नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं, दीज आर इग्नोर। अच्छा आप एक काम करो ना, अभी तो इसमें आप लगा दोगे यार 10 से 15 मिनट आराम से, क्योंकि आज पहले भी डिस्कशन में ही ज्यादा टाइम गया है। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, क्या आप ये बाद में ट्राई करेंगे? यस सर। आप स्टेप्स सुनिए और उनको फॉलो करने की कोशिश करना। आपको याद है कि भाई ऐसे में जब फोर्स निकालते थे तो फोर्स हम कैसे निकालते थे? dy dx करके निकालते थे। यहां पे आपको टॉर्क निकालना होगा और वो आप ऐसे निकालोगे dy dθ। जिस तरह से फोर्स आप निकालते थे dy dx से, ऐसे ही किसी फाई एंगल पे डी वाई डी फाई करके आप ये थीटा एंगल पे निकाल लेंगे डी वाई डी थीटा, वो क्या होगा आपका टॉर्क होगा। अच्छा यू कैसे लिखेंगे, बैटरी कनेक्टेड है तो यू लिखेंगे कैसे? बैटरी कनेक्टेड है तो यू कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना? और सुनो, आगे सुनो अब इसके बाद
फिर सी कैसे लिखेंगे? एक डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर है और एक एयर का कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में है कि दोनों सीरीज में, बताओ। पैरेलल, उन्हीं प्लेट्स के बीच में। आप थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करना होगा, पैरेलल है तो सीधा ऐड कर दो, सी एयर और सी मीडियम को ऐड करो, बिकॉज ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल वाले में एक आसान काम होता है, सी ऊपर आता है, ये जो सी आएगा, यू विल गेट सी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, यू विल गेट सी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये कितना थीटा है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री का यूज करके। कोई बताओ यार, ट्राई करोगे? सर देखो मैंने आपको लगभग बता दिया, वही काम करना है जो कल किया था, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज है। और मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के अगर दूं, तो इफ फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब तो ठीक है भाई, मैंने रिलीज किया कुछ एंगल लेके, ठीक है, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मैं एक सवाल बना के दे रहा हूं ताकि कुछ ऑप्शन सा भी बनता चले, बाई टेकिंग फाई इक्वल टू 30 डिग्री। आप कुछ नोट कीजिए इसे, आर के भी है कोई वैल्यू? वैल्यू लेनी है तो आप लो, मैं बना देता हूं ताकि सबके लिए एक वैल्यू आ जाए। सपोज आर है 2 मीटर, एक क्वेश्चन की तरह ही अगर आप करना चाहें तो मैं लिख देता हूं आपके लिए कुछ चीजें। आर हमने मान लिया इसमें 2 मीटर, डी सेपरेशन मान लो 1 मीटर, मैं कुछ वैल्यूज दे रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल की तरह ट्राई कर सकें। और क्या रह गया इसमें? मास, मास रह गया एप्सिलॉन बाई बी, कांस्टेंट की वैल्यू, एक मिनट कांस्टेंट की वैल्यू दे रहा हूं, मास की मैं स्पेशल वैल्यू दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो आपके लिए। मास मैंने माना एप्सिलॉन नॉट बाई पाई, ये जो मास है ये आपने माना है एप्सिलॉन नॉट बाई पाई, ठीक है। और बचा इसमें के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो 10, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। और भी कुछ रह गया क्या? बैटरी भी रहेगी ना, बैटरी वोल्टेज रहेगी, वोल्टेज भाई क्या रह गया इसमें वैल्यू, कोई 5 आया है कहीं? नहीं आया ना, वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट। कैसा सवाल बना दिया यार आपने तो, खतरनाक। सारी वैल्यूज देखे, मैं एक बार इकट्ठी लिखूं एक जगह वैल्यूज, एक बार इकट्ठी लिख देता हूं क्या क्या वैल्यूज ली है हमने। हमने लिया कि जहां से इसको रिलीज किया वो इनिशियल एंगल कितना, 30 डिग्री। मास ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आपने लिया है एप्सिलॉन नॉट बाई पाई SI में, और वोल्टेज आपने ले ली 5 वोल्ट, और रेडियस ले लिया 2 मीटर, और डी ले लिया 1 मीटर। और भी कुछ बताया या बस? ठीक है, अब आप इसको अच्छे से लिख लो अच्छे से, ताकि, और ये ना एक ढंग का सवाल आपको दिया है करने के लिए ताकि आपके समझ आ जाए बस। हाँ क्या कह रहे हो? के भी दिया है, के कितना? 10। अब आप लोग इसे सोल्व करने की कोशिश जरूर करें क्लास के बाद, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया,
पहले किसी भी थीटा एंगल पे ले जाके, किसी भी थीटा एंगल पे ले जाके आप इसका सी डायलेक्ट्रिक लिखना, सी एयर लिखना, उसमें ज्योमेट्री का यूज है, दोनों पैरेलल में होंगे डायरेक्ट ऐड करना, और सी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आएगा, फिर डीसी बाई डी थीटा निकालना। कल हमने डीसी बाई डी एक्स निकाला था, याद है ना, डीसी बाई डी थीटा निकालना। फिर टॉर्क लिखना कैसे, यू से, पहले यू लिखो आप सी वी स्क्वायर, टॉर्क बनेगा डी यू बाई डी थीटा, जैसे फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स, और वहां फिर डीसी बाई डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, और फिर आप पक्का ये सोचना कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कर लोगे ना ये। यहां एंगुलर एक्सेलरेशन लिखनी पड़ेगी आपको, एक और थोड़ा आइडिया दे देता हूं, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क से टाइम तक पहुंचने के लिए आपको अल्फा लिखना पड़ेगा, कल एक्सेलरेशन लिखी थी मास से डिवाइड करके, अरे कल एक्सेलरेशन लिखी थी ना मास से डिवाइड करके, आज सेमी डिस्क का मोमेंट ऑफ, कभी मास से डिवाइड करके ही एक्सेलरेशन लिख दो, एक्सेलरेशन नहीं, सेमी डिस्क जो अंदर डायलैक्ट्रिक बनेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करके। भाई ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने लिया है, और अगर आप इसको सही कर देते तो डेफिनेटली आप काफी कुछ सीख चुके हैं इस कैपेसिटर में। अभी भी बोर्ड पे से ये नोट कर लो, अगर किसी का कुछ और बचा है तो। सनेव आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, मिटा दो ना फाइनली, फिर मैं अब आगे कुछ और पढ़ाता हूं आपको। आपको मैंने 12 सवाल कल दिए थे करने के लिए, 12 आज दिए हैं, तो कल आंसर भी बता दिए थे, कल के 12 में से ज्यादातर हो गए, कुछ बच्चों ने तो सारे ही कर दिए थे, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। कल जो 12 सवाल दिए थे सीपीपी में, क्या वो हो गए हैं क्या आपसे लगभग? अभी बताओ, अरे कर तो दिए ना ट्राई, ये नहीं किया अभी भी, ठीक है, और आज 12 और दिए तो ये अपने करते चलो, इनसे कुछ प्रैक्टिस तो बनेगी ना। चलो अब एक सवाल हम लेते हैं। मैंने आपको कई बार बोला था सीरीज के फॉर्मूले या पैरेलल के फॉर्मूले तब लगाने हैं जब कैपेसिटर पहले से क्या हो, कैपेसिटर पहले से अनचार्ज, लिखवाया था उन फॉर्मूलों के स्टार्टिंग में भी, बताओ याद आ रहा है क्या? पिछले क्वेश्चन में भी कितना दिया था भाई, अब नहीं याद मेरे को तो, अरे कोई और बताओ, वी कितना दिया था पिछले सवाल में, हैं कितना दिया था? 5 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें लिख लो आप जितना भी दिया था। अब आप एक बात बताओ, क्या हमने अभी तक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर पढ़े हैं ना, कनेक्शन से पहले अनचार्ज थे और फिर सीरीज पैरेलल बनाए, आपको याद है जब मैंने सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले करवाए तो बताया था, लिखवाया था कि इनिशियली अनचार्ज होने चाहिए कनेक्शन से पहले। यस सर। ठीक है, अगर इनिशियली चार्ज है तो आप कोई सीरीज पैरेलल का यूज नहीं करेंगे। एक इस तरह का सवाल लेते हैं जिसमें पहले से कैपेसिटर आप चार्ज करके ला रहे हैं। सपोज एक कोई मैंने कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर एक्स, ये मेरा 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। अच्छा, कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ये चार्ज है कि अनचार्ज है, लेकिन मैं इसको पहले से चार्ज कर लाया किसी बैटरी से लगा के, 20 वोल्ट की बैटरी से। यू बताओ,
बैटरी से चार्ज करने के बाद अगर मैं बैटरी हटाऊं तो क्या कैपेसिटर पे चार्ज रहता है या हट जाता है? रहता है, रहता है, ये हमने शुरू से ही सीखा है। मान लो एक कैपेसिटर आपने ये लिया, एक और कैपेसिटर लिया, उसको एक्स नाम दिया था, मैं इसको कह रहा हूं वाई। दूसरा कैपेसिटर आपका वाई है, ये सपोज 2 माइक्रोफेराड का है और पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 10 वोल्ट। मतलब ये देखो अभी मैंने कनेक्शन किए नहीं है, उससे पहले मैं लेके आ रहा हूं। एक और भी मान लिया तीसरा जेड 1 2, ये भी 2 का मान लो, 2 माइक्रोफेराड, एंड सपोज इसको 15 वोल्ट से चार्ज करके ले आए। तीन अलग अलग बैटरी से चार्ज करके मैं तीन कैपेसिटर्स को ले आए, और नाउ दीज थ्री आर ज्वाइंड इन सीरीज। अब आपने इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, लेकिन अगर मान लो पहले से चार्ज कैपेसिटर हैं तो सीरीज में भी यह बताना पड़ेगा कि किसकी कौन सी प्लेट किससे कनेक्ट की गई। क्लियर है? क्योंकि नहीं तो ये तो उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी प्लेट किससे कनेक्ट की है। सपोज एक्स की पॉजिटिव प्लेट जेड की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट की है, मैंने टर्मिनल्स के नाम दिए 1 2 3 4 5 6। सीरीज में कनेक्ट किस तरह से किया है कि 1 with 5, एक तो आपको यह दे दिया कि एक को कनेक्ट किया है 5 के साथ, और x की नेगेटिव प्लेट को y के पॉजिटिव से मान लो 2 with 3। आप बताओ क्या आप बन गया सीरीज कनेक्शन पूरा तीनों का? क्या आप बन जाएगा इतनी इंफॉर्मेशन देने से? ठीक है, तो सवाल हमारा यह है कि फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स। स्टोर्ड ऑन द 3 कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर्स पे फाइनली कितना क्या चार्ज होगा ये आपको बताना है। आप पहले तो अपना डायग्राम बना दीजिए। अब मुझे तो ये कनेक्शन बना के एक डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां। हाँ भाई बताओ क्या बना लिए? ठीक है, तो अब जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो पहले की कोई भी चीज ऐसी छोड़ देंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल का लगा देंगे, वो तो वैलिड ही नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि सीरीज में वोल्टेज इस तरह डिवाइड होती है, चार्ज इस तरह डिवाइड होता है। पढ़ रखा हमने कि सीरीज में तो चार्ज सब पे सेम रहता है, पढ़ा था ना? Yes, sir. लेकिन यहां कोई जरूरी नहीं है, यहां तो पहले से चार्ज कैपेसिटर है, कोई फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, कोई रिजल्ट वैलिड नहीं है। तो अब आप पहले अपना डायग्राम बनाओ, भाई इसके अकॉर्डिंग मैं चलूं 1 को 5 से। तो मैंने ऊपर तो ये कैपेसिटर बनाया मेरा 1 वाला कैपेसिटर बनाया, ये मैं एक्स वाला कैपेसिटर कह रहा हूं, एक्स वाला कैपेसिटर, और ये इसका टर्मिनल नंबर 1 है और ये इसका टर्मिनल नंबर 2 है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 1 को कनेक्ट करो 5 से, तो 1 को आपने कनेक्ट किया 5 से, यानी कि ये जेड कनेक्ट हो गया। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो
तो यार क्या करें, कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं क्या नहीं? हाँ हो सकता है नेटवर्क डाउन हो गया होगा। अब मेरी आवाज आ रही है क्या, ये बताओ, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? तो जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से एक बार सर्किट बनाओ, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से आप बना सर्किट लिया। बनाओ। बना लिया? और जो टर्मिनल टू था वो था थ्री से, वाई के थ्री से, ये लो भाई, और ये वाई का फोर, और ये हमारा ऐसा कनेक्शन हो गया। तो मैंने एक बार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डायग्राम बनाया, शायद आपको अभी वीडियो दिख रही है, ये डायग्राम दिख रहा है क्या, समझ आया? ठीक है, दिया। सिक्स को फोर से क्यों जोड़ा? सिक्स और फोर तो फिर कहां बचेगा ये वो? तो क्या सवाल में ये दे रखा है कि ऑल आर ज्वाइंट इन सीरीज, दे रखा है ना, सारे सीरीज में जोड़ने हैं। मैंने वन को फाइव से जोड़ दिया, मैंने टू को थ्री से जोड़ दिया, तो बचे कौन से दो टर्मिनल है ताकि ये सीरीज लूप बने, समझ गए हो? बैटरी का कहीं है क्या जिक्र इसमें? बैटरी से पहले ही चार्ज कर करके ले आए, पहले ही चार्ज कर करके ले आए, कहीं बोला ही नहीं है बैटरी के बारे में। इन्होंने बोला है बस इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, और मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दी कि इसको इससे जोड़ लो, इसको इससे जोड़ लो, अब बचे ही ये दो हैं जो जुड़ सकते हैं आपस में ताकि ये सीरीज बने, समझ आया? ठीक है, और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, इसके बाद सुनो, आप सबसे पहले इन प्लेट्स पे इनिशियली स्टोर चार्ज क्या था वो देख लो। क्यू बराबर सी वी लगाओ, क्यू बराबर सी वी, सी इंटू वी, सी इंटू वी, यानी कि इस प्लेट पे 20 माइक्रो कूलम था और इस पे कितना था? -20, समझ आया? इस पे कितना था? सी इंटू वी, इस पे भी 20 था और इस पे, हाँ ये माइक्रो कूलम में चल रहे हैं, और इस पे कितना था? इधर 30 था और इधर -30। ये आपने इनिशियल चार्जेस देख लिए, इनिशियल चार्जेस। अब है ना, कनेक्शन करते ही कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो करेगा, तब तक जब तक कि पोटेंशियल्स में समानता ना आ जाए। क्योंकि अगर कहीं भी मान लो इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहा, तो क्या करंट फ्लो कर जाएगा कि नहीं, चार्ज फ्लो कर जाएगा कि नहीं एक से दूसरे तक? तो स्टेबिलिटी लाने तक फाइनली, कि अगर मैं वन से चलूं और दोबारा वन पे आ जाऊं और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो कर जाएगा। आपको बताना है कि फाइनल चार्ज स्टोर कितना है। इनिशियल चार्ज देख लिया हमने, इनिशियल आगे सारे समझ में, ये माइक्रो कूलम में है। ठीक है, मान लो इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए मैं कहता हूं कि पूरे वायर में, पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर गया? ये तो है, सीरीज में चार्ज सेम घूमेगा, चार्ज सेम घूमेगा, वो स्टोर कितना हुआ फाइनली वो हमें देखना है। तो मैंने माना कि क्यू चार्ज फ्लो करके चला गया है, किस लिए फ्लो कर गया? ताकि वन और फाइव सेम पोटेंशियल पे आ जाए, ताकि टू और थ्री सेम पोटेंशियल पे आ जाए, ताकि फोर और सिक्स सेम पोटेंशियल पे आ जाए, ताकि उसके बाद इनस्टेबिलिटी ना रहे, समझ आया? आप कभी भी दो अलग अलग प्लेट्स को एक मेटल वायर से जोड़ते हो तो उसका काम क्या है कि तब तक चार्ज फ्लो करे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने माना क्यू फ्लो कर गया। अब थोड़ा ध्यान देना, आप इस प्लेट पे पहले कितना था? 20। ये क्यू मान लीजिए माइक्रो कूलम में है, इस प्लेट पे पहले 20 था और अब क्यू निकल गया तो कितना बचा? इस प्लेट पे पहले 20 था और अब क्यू निकल गया तो कितना बचा? 20 - q, दिख रहा है ना, ये विजिबल है ना? ठीक है, आगे आओ, इस प्लेट पे पहले कितना था? इस प्लेट पे पहले कितना था? जेड 30, और क्यू आ गया तो यहां कितना हो गया?
थर्टी प्लस क्यू। इस प्लेट पे पहले था माइनस थर्टी और उसमें से क्यू निकल गया, क्यू निकल गया तो माइनस थर्टी माइनस क्यू हो गया। माइनस मैंने कॉमन लिया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ थर्टी प्लस क्यू? हाँ अभी दिख रहा है ना, अभी देखो माइनस थर्टी में से इस प्लेट पे जो माइनस थर्टी था, इस माइनस थर्टी में से क्यू और निकला तो माइनस थर्टी माइनस क्यू हो गया, माइनस कॉमन लिया तो क्या ये चार्ज आ गया कि नहीं इस प्लेट पे? बताओ समझ आया ये? आगे देखो ये प्लेट नंबर चार, प्लेट नंबर चार पे कितना था, कितना था यहां देखो माइनस ट्वेंटी था और क्यू और आ रहे हैं, क्यू और आ रहे हैं तो यहां हो गया माइनस ट्वेंटी प्लस क्यू, है ना भाई समझ आया? प्लेट नंबर तीन पे कितना था, प्लेट नंबर तीन पे पहले कितना था 20 और उसमें से क्यू निकल गया तो अब कितना बचा? अरे कोई नहीं मेरी आवाज तो फ्रीज नहीं हुई, आवाज सुनो ये यार है ना आपको, आपने डायग्राम तो बना रखा होगा अपनी कॉपी में, तो उस पर करते चलो ना। प्लेट नंबर थ्री पे 20 था और उसमें से क्यू निकल गया तो 20 माइनस क्यू बचा, और प्लेट नंबर टू पे, प्लेट नंबर टू पे कितना था माइनस ट्वेंटी था और वो क्यू और आया तो प्लेट नंबर टू पे हो गया माइनस ट्वेंटी प्लस क्यू। आप बताओ कि आपको सारे चार्जेस देखने आ गए हैं क्या, सारे के सारे चार्जेस फाइनली? अगर स्टेबिलिटी लाने के लिए क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो इनिशियल चार्जेस ये थे और फाइनल चार्जेस क्या होंगे प्लेट्स पे, बताओ क्या ये सारे चार्जेस आ गए समझ? ठीक है आप देखिए मैं एक बार ये इनिशियल डायग्राम हटा रहा हूं, शायद आपने लिख रखा होगा, अब मुझे जगह चाहिए बोर्ड पे इस काम को पूरा करने के लिए। अब एक चीज देखो, अब मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाता हूं। ये ऊपर वाला कैपेसिटर है जिसको आपने नाम दिया एक्स, एक्स पे इधर चार्ज है 20 माइनस क्यू। अगर मैं सामने से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं ये लिख पा रहा हूं कि नहीं उस पे, बताओ बताओ? और ये x इसमें तो मिट लिया भाई, x का कैपेसिटेंस कितना था 1 या 2? x का कैपेसिटेंस कितना था 1 था। बताना मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं है कोई क्वेश्चन, तो आप बताते चलना कि क्या क्या है। अच्छा नीचे आपने जोड़ रखा है z, z पे एक साइड चार्ज है 30 प्लस q, सामने आपने पहले माइनस कॉमन ले रखा है 30 प्लस क्यू का नेगेटिव। हाँ इसका कैपेसिटेंस कितना था, ये तो 1 माइक्रो फेराड था, ये जेड कितना था बताओगे? 2 माइक्रो फेराड। और ये आपने सामने जोड़ रखा है वाई, इस पे अगर चार्ज देखूं तो ऊपर है 20 माइनस क्यू, ऊपर है 20 माइनस क्यू, नीचे अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये बन गया माइनस ऑफ 20 माइनस क्यू, माइनस कॉमन लेते ये बन रहा है। और इसका कैपेसिटेंस कितना है बताओगे y का? टू। ये सारे माइक्रो कूलम में चार्जेज हैं। चलो अब फाइनल स्टेबिलिटी आ चुकी है, मतलब अब पोटेंशियल इक्वेट हो चुके हैं, तो अब आप केवीएल लगा सकते हैं। पोटेंशियल इक्वेट हो गया, अब आप केवीएल लगा सकते हैं कि वापस यहां से घूम के यहीं आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। चलिए लिखवाओ, ये प्लस माना है आपने माइनस, प्लस माइनस क्यू बाई सी, 20 माइनस क्यू आमने सामने ये है बाई 1, माइक्रो से माइक्रो कट जाना है ना, हटाओ उसको तो माइक्रो कूलम माइक्रो फेराड, इसमें आओ ये प्लस माइनस यहां कितना 30 प्लस क्यू अपॉन 2, और इसमें देखो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस 20 माइनस क्यू अपॉन 2। आप बताओ कि आपने सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए?
हाँ जी भाई बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिए सारे, समझ आए? कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, अभी पूछो यहीं पे, कोई डाउट है तो। ठीक है, अब आप इसमें केवी लगा दो, अब आप इसमें केवी लगा दो, अब एक बार चार्जेज सेटल हो लिए, अब आप केवीएल लगा दीजिए। तो अब अगर मैं केवीएल की इक्वेशन लगाऊं, हाँ जी, पहली एंट्री माइनस से क्या बनेगा, प्लस का 20 माइनस q अपॉन 1, फर्स्ट टर्म आई हमारी। अगली एंट्री प्लस से तो माइनस ऑफ 30 प्लस q अपॉन 2, और अगली एंट्री माइनस से तो प्लस ऑफ 20 माइनस q अपॉन 2, और वापस वहीं पहुंच गए तो इक्वल टू 0। मैं यहां से चला था और वापस यहीं आ गया। आप बताओ क्या केवीएल इक्वेशन कैसे लगाई, समझ आई? मतलब अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर आए तो मेरे पास केवीएल के अलावा और कोई तरीका नहीं बचेगा। वहां पे आपको कोई पुराना रिजल्ट यूज नहीं करना कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है, चार्ज फ्लो करवाओ, सेटल करवाओ, और ये हो गया। बताओगे सॉल्व हो जाएगा क्यों, यहां से कितना आ रहा है क्यों, चार्ज कौन, 1 मिनट में देख भी लूं यार, कोई गलती ना हो। टू टू आपका पूरे में एलसीएम, 20 × 2 = 40 माइनस, देख लेता हूं, −2q − 30 − q + 20 और − q इक्वल टू 0। इस 2 को तो हटाओ, 40 − 30 10, 10 + 30 10 + 20 30, तो 30 − 2q q and q −4q = 0। q आ रहा है 15/2, यानी कि 7.5 माइक्रो फेराड। बताओ q आ गया ये, क्या आपका q 7.5 माइक्रो फेराड आया है क्या, ये बताओ। हाँ भाई बोलो, क्यों आ गया 7.5 माइक्रो फेराड? तो फाइनली कितना कितना चार्ज है प्लेट्स पे, अब ये दिखा देंगे हम। एक क्यू आने के बाद मैं लास्ट डायग्राम बना रहा हूं कि कितना कितना चार्ज है। ये आपका एक कैपेसिटर ऊपर वाला एक्स, ये आपने नीचे बनाया था जेड, और ये आपने इधर बनाया था वाई, ये था। अगर क्यू 7.5 है तो इधर देखो, 20 में से 7.5 गए, 13, 12.5, 12.5 हो गया, 12.5 माइक्रो कूलम एंड −12.5 माइक्रो कूलम। बताओ एक्स पे चार्ज स्टोर, समझ आ गया क्या? बोलो भाई, ये देखो फिनिशिंग पार्टी तो है, टाइम भी हो रहा है पूरा, मुझे भी तो ये संतुष्टि रहे कि आपको समझ आ गया है। तो चार्ज स्टोर्ड एक्स पे कितना आया, अगर आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट होता है तो वही होता है चार्ज स्टोर्ड, आया 12.5 माइक्रो कूलम। जेड पे आओ, जेड पे, या चलो वाई पे चलते हैं, वाई 7.5, 20 में से 7.5 वही आ गए, तो ऊपर 12.5 और नीचे −12.5, और जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो वाई पे भी 12.5 बोला जाएगा। अब आप आओ जेड पे, जेड पे बताओ कितना है, 30 + q, 30 + q मतलब इधर तो 37.5 माइक्रो कूलम एंड इधर −37.5 माइक्रो कूलम, तो जेड पे आ गया 37.5 माइक्रो कूलम। अब बताओ क्या क्लियर है ये? आपसे अगर पूछा जाए क्या सीरीज में सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज स्टोर सेम होता है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। इन जनरल वो सेम होता है, इन जनरल वो सेम होता है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, लेकिन अगर पहले से चार्ज कैपेसिटर आ जाएं तो क्या जरूरी है सीरीज में सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम हो, समझ आ गया ना अभी ये? अगर इनिशियली चार्ज कैपेसिटर आ जाएं तो आपको ना केवीएल ही लेके चलना पड़ेगा, वही आपको बचाएगा किस तरह से होगा। तो चलो यार, आज की क्लास में
हमने लगभग एक एक चीज को आधे आधे घंटे से ज्यादा डिस्कस किया है। चीजें दो तीन ही डिस्कस हुई हैं, ऐसा नहीं कि कोई नए टॉपिक पे हम गए, चीजें दो तीन ही डिस्कस हुई हैं। एक मैंने आपको होमवर्क दिया, वो स्लाइडिंग रोटेटिंग वाला डाइलेक्ट्रिक, वो आप पूरा करेंगे। तो चलो कुल मिला के आज की क्लास सक्सेसफुल रही, समझ आ गया सब कुछ, रिवाइज करना अपने काम, ठीक है। शाम को क्या करके लाएंगे आज, पेपर टू की तरफ चले या पेपर वन में कुछ बचा है या सीपीपीज क्या क्या डिस्कस करवाऊं, क्या चीज सीपीपी कर रहे हो पहले, ठीक है। तो आज शाम को अपने दोनों सीपीपी आप ट्राई कर लेना अगर टाइम मिले तो, और पेपर में किसी का कोई डाउट हो तो पेपर पूछ लेना, ठीक है। अभी ऑफ करते हैं, थैंक यू।